क्षेत्र के धारा वाले, तुझे खाली क्षेत्र की धारा पता है, 307 और 308 कभी नहीं देखी है और... के, मेरी भी जरूरत ना है उनमें से, वे अकेले अकेले एक एक समेट ले। तो गाइस यहां पर प्रदीप ढाका वर्सेस प्रिंस राजपूत वाली लड़ाई में प्रदीप ढाका ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया था कि अब मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ने वाला। एंड प्रदीप ने ये भी कहा था कि मैं तुम लोगों से फालतू में नहीं लड़ूंगा, जिससे मेरी लड़ाई हुई है राजवीर सिसोदिया से मैं सीधा उससे लड़ूंगा और मैं राजवीर को ओपन चैलेंज भी दे रहा हूं कि वो सीधा आकर मुझसे लड़ ले। तो यहां पर प्रदीप ढाका सीधा सीधा राजवीर सिसोदिया से ही लड़ना चाह रहे हैं, ना कि उनके दोस्तों से। तो प्रदीप ढाका के इस वाली स्टेटमेंट के ऊपर राजवीर सिसोदिया ने भी रिप्लाई किया था एंड उन्होंने ये कहा था कि पहले मेरे छोटे भाई प्रिंस राजपूत से लड़ लो, अगर उससे जीत फिर आकर मेरे से लड़ना। एंड गाइस उसके बाद प्रदीप ढाका ने भी राजवीर सिसोदिया को रिप्लाई किया एंड उनको रिप्लाई करते उन्होंने क्या क्या कहा आप लोग खुद देखिए। क्षेत्र के धारा वाले, तुझे खाली क्षेत्र की धारा पता है, 307 और 308 कभी नहीं देखी है और 302 तो तेरी पीटी ने भी नहीं देखी होगी। सुन, तेरे से ओपन चैलेंज है, कभी पीठ पीछे वार नहीं करूंगा, सामने से वार करूंगा। अगर दम है तो आज तेरे इंस्टाग्राम में अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, देखता हूँ कितना बड़ा तू मर्द है, आजा। और इंजेक्शन की दुकान, फूले हुए पाउडर, सिर्फ तू इंस्टाग्राम का बदमाश है, बातें चूस सकता है, तेरे बस की कुछ नहीं है। कब आएगा आजा, देखता हूँ। और जो तू ये भाव लगा रहा ना, तेरा ही भाव तेरे चूतड़ों में घुसना दिखेगा। एक का भाव तूने 10 लगाया ना, मैं 1 का 30 का भाव दूंगा, आजा देखता हूँ कितना बड़ा मर्द है तू, आजा। एंड गाइस प्रदीप ढाका की इस वाली वीडियो के बाद प्रिंस राजपूत ने भी उनको रिप्लाई किया एंड उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या क्या अपनी वीडियो के अंदर आप लोग खुद देखिए। मेरी गैल हर बिरादरी खड़ी है, मेरी गैल जाट भी है, राजपूत भी है, गुज्जर भी है, ब्राह्मण भी है, सारी बिरादरी है लमसम, ठीक। यहाँ फर्क इंसान का पता चल रहा है, उसकी गैल कौन है, सामने वाले गैल कौन है और मेरी गैल कौन है, यहाँ इंसान के वर्चस्व का पता चलता है। और भाई रही बिरादरी की बात, तो मेरी गैल जितने जाटों के वाले खड़े है ना, अपने आप में एक एक अपने आप में बहुत चीज है कि मेरी भी जरूरत ना है उनमें से, वे अकेले अकेले एक एक। सो बाकी यहाँ पर आप लोग प्रदीप ढाका और राजवीर सिसोदिया इस लड़ाई के अंदर किसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, अपने अपने नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।